बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इंशाल्लाह चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी देने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके लिए कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते। ये इसके लिए मैंने ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया है, आधा किलो प्याज ली है। बिरयानी में प्याज ज़्यादा डलती है, उसी से ही टेस्ट निकलता है। आधा किलो चावल हैं और तकरीबन 300 ग्राम टमाटर हैं। और ये जो मैंने मैरिनेशन की है चिकन टिक्का मसाले की, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको चिकन टिक्का मसाला बनाया था बनाना, उससे ये इसकी मैंने मैरिनेशन की है। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, दही, सिरका और चिकन टिक्का मसाला डाल के इसको मैंने अच्छा सा मैरिनेट कर लिया है 30 मिनट्स के लिए। और अब ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी, फ्राई पैन, और इसमें ऑयल ऐड कर लिया है मैंने। और ये जो हमारी मैरिनेशन हुई हुई चिकन टिक्का पीस थे, ये मैं इसमें फ्राई करूँगी। 2 पीस मैं इसमें फ्राई करूँगी और बाकी जो जितने भी पीसेस हैं वो मैं एयर फ्रायर में करूँगी, ताकि जिसके पास एयर फ्राई ना हो वो फ्राई पैन में कर सके। और मेरे पास एयर फ्रायर है तो मैं उसमें करूँगी। ये देखें, ये अच्छा सा हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है, जिसमें मैं ये ऐड कर दूँगी। और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और ये जो बाकी के हमारे पीसेस हैं वो मैं एयर फ्रायर में कर लूँगी। इसमें भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और इसको मैं अब बंद करके तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। ये हमारा चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है और हाई फ्लेम पे इसको करना है हमने। और ये जो हमारा मसाला बचा है सारे टिक्कों का, ये मैं अभी थोड़ी देर में बेक करूँगी। ये देखें कितना अच्छा कलर आने शुरू हो गया है इसके ऊपर। और जब इस पर अच्छा कलर आ जाएगा तो इसकी आँच जो है, हम इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे। ये देखें बस कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ इनको और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और बाकी की जो कुकिंग है वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने निकाल लिए हैं, 2 मैंने इसमें किए हैं और बाकी 4 एयर फ्रायर में किए हैं। ये देखें ये एयर फ्राई वाले हमारे जो चिकन टिक्का हैं, ये भी मैं इसमें निकाल लूँगी और बिरयानी में हम ये यूज़ करेंगे। ये देखें एयर फ्रायर में कितने अच्छे हुए हैं। ये देखें, और अब बाकी हम बिरयानी की तैयारी करते हैं। जीअर्स, ये देखें हमारा चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं ये राइस कुकर का पैन ले लूँगी और ये चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपने जो नॉर्मल देगची होती है आप उसमें बॉईल करें, मैं राइस कुकर में यूज़ करती हूँ, मुझे इसकी आदत है। तो अब इसमें मैं एक बड़ी इलायची डाल दूँगी और 6-7 लौंग्स हैं और ये दालचीनी है, ये मैं ऐड करके इसको अपने राइस कुकर में कुक करने रखूँगी।
ये आधा किलो चावल है और इसमें मैं अपने कुकर के हिसाब से पानी डाल दूँगी और इसको मैं इसके स्टैंड पे रख दूँगी। इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, मेरे पास 2.5 कप चावल थे तो मैं इसमें 2.5 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी और मैं इस कुकर को इसमें रख दूँगी। इसको कुक पे हम ऑप्शन पे रख देंगे और आए अब हम मसाला इसका रेडी करते हैं बिरयानी का। चीयर्स। ये मैंने एक डेगची ले ली है, इसका मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। व्यूअर्स ये देखें, जिसमें मैंने टिक्के फ्राई किए थे ये मैं यूज़ करूँगी। ये तकरीबन 1/2 कप ऑयल है और 1/2 कप ये सादा ऑयल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इस पॉइंट पे हम इसमें ये प्याज अपनी ऐड कर देंगे। प्याज बिरयानी में ज़्यादा डलती है, तो तकरीबन इसमें 4-5 प्याज हमने ऐड की हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे और इसमें मैं ये थोड़ी सी दालचीनी, इलायची, सब्ज़ और लौंग ये भी मैं इस पे ऐड कर दूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें यार, हमारे जो चावल हैं वो डन हो चुके हैं। 80% मैंने इनको कुक कर लिया है और अब ये रेसिपी के लिए, लेयरिंग के लिए रेडी हैं। अब बाकी की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमारी प्याज भी बस गोल्डन ब्राउन होने लगी है। थोड़ा टाइम इसको और लगेगा, जब ब्राउन हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें और हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब इसको बहुत अच्छा फ्राई करेंगे खुशबू आने तक, ताकि ये लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस लेवल पे मैं ये हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी कूट ली हैं, इनको ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब जो हमने ये टिक्का मसाला, ये बिरयानी मसाला लिया है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें जो टिक्का मसाले की मैरिनेशन थी जो बच गई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी इससे ही बिरयानी का टिक्का टेस्ट आएगा। और इसमें अभी ये 2 चम्मच दही भी हम ऐड कर देंगे। अब जो ये हमारे पास बारीक कटे हुए गोल स्लाइसेस में टमाटर हैं ये हम ऐड कर देंगे। और इसको बहुत अच्छा मिक्स करेंगे।
और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे जी व्यूअर्स। अब हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे जी व्यूअर्स। मैंने अभी इसमें थोड़ा नमक टेस्ट किया है तो मुझे नमक कम लगा है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बिरयानी में हमेशा नमक का ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मसाले में भी अच्छा नमक होना चाहिए, चावलों में भी अच्छा नमक होना चाहिए जब भी बिरयानी का असल टेस्ट निकल कर आता है जी। इस लेवल पे मैं एक चम्मच केवड़ा वाटर वो मैं डाल दूँगी। ये देखें और बस हमारा ऑयल ऊपर आता जा रहा है, ये डन होने ही वाला है जी व्यूअर्स। ये देखें हमारा ऑयल आ गया है। ये थोड़ा ऑयल मैं निकाल लूँगी ऊपर से डालने के लिए बिरयानी पे। आधा हम निकाल लेंगे और आधा सालन में ही छोड़ देंगे जी व्यूअर्स। ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस लेवल पे हम चावलों की और टिक्कू की लेयरिंग करेंगे। मैं चावल इसमें डालती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें मैं इस लेवल पे सारे चावल इसमें ऐड कर दूँगी। जी व्यूअर्स ये देखें अब इस लेवल पे मैं ये जर्दे का रंग मैंने रेडी किया है ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें इस तरह से कुछ। ये जो अब टिक्के हैं हमारे ये सारे इस पे ड्रॉप कर देंगे अच्छे से। ये सारे टिक्के हमने इस पे डाल दिए हैं और ये जो ऑयल हमने निकाला था आखिर में ये हम इस पे ऐड कर देंगे और ये थोड़ा धनिया ये ऐड कर देंगे इसमें। इस लेवल पे मैं ये केवड़ा वाटर भी ऐड करूँगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच। आपके पास एसेंस हो तो एसेंस कम यूज़ होता है और जो केवड़ा वाटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। ये मेरे पास केवड़ा वाटर है ये मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें। मैंने अब इसमें ये फॉइल एक रख ली है और इस वक्त अब मैं इस पर कोयला ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैंने इस पर कोयला रख दिया है। अब इस पर मैं ये थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और इसको फ़ौरन से कवर करके मैं रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको रखना है दम पे हल्की आंच पे जी व्यूअर्स। ये देखें हमारा दम कंप्लीट हो गया है इस पे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स ये मैं डिश आउट कर लिया है कर रही हूँ और अभी इस पे हम जो टिक्के थे वो ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो टिक्के हैं जब हम अपने गेस्ट को सर्व करेंगे या अपनी फैमिली को तो ये आखिर में ऐसे इसके ऊपर रख कर सर्व करेंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस वक्त कि बस दिल चाह रहा है सारे काम छोड़ के बस मैं ये खाने बैठ जाऊँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे अपना। और ये जो है रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको हम ये कुछ रायता सलाद और ड्रिंक के साथ सर्व करेंगे। ये लें व्यूअर्स आप भी खाएं और आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का और मुझे अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा लाइक के ज़रिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।